नमस्कार दोस्तों, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन को चलाया जा रहा है, जिनमें यहाँ पर अलग अलग पोस्टों पर यहाँ पर जो है बहाली को निकाला गया है। इनमें आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। तो कौन कौन लोग यहाँ पर जिसके लिए आवेदन दे सकते हैं, किस प्रकार आपको आवेदन देना है, कब है अंतिम तिथि, पूरी डिटेल के साथ आपकी स्टूडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और हाँ, अगर आपको इसी तरह की जानकारी अगर आपको हमेशा चाहिए तो इस तरह के लाल रंग वाले सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की अपडेट हमेशा मिलती। तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार यहां पर जो नोटिफिकेशन को जारी किया गया, यहां पर बताया गया कि बिहार कौशल विकास मिशन श्रम संसाधन विभाग नियोजन भवन बेली रोड पटना बिहार के अंतर्गत विभिन्न पदों पर समता आधारित नियोजन हेतु मिशन निर्देशक बिहार कौशल विकास मिशन श्रम संसाधन विभाग नियोजन भवन देख पा रहे कि यहां पर एक एड्रेस दिया गया है, और आपको इसी पते पर आपको आवेदन प्रपत्र आमंत्रित किया जाता है। यानी कि यह जो यहां पर जो भर्ती निकाला गया, आपको ऑनलाइन के माध्यम से नहीं निकाला गया है, आपको ऑफलाइन के माध्यम से आपको आवेदन देना होगा। और यहां पर डेट भी मेंशन किया गया, आपको 31/8/2021 तक ही आपको आवेदन करना है। 3 बजे तक यहाँ पर अपराह्न 3 बजे तक यहाँ पर जो टाइम दिया गया है, और आप इनको आवेदन डाक या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा आप लोग यहाँ पर जो आवेदन दे सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए आवेदन प्रपत्र कहाँ से मिलेगा और किन किन पोस्टों पर यहाँ पर जो आप यानी कि भर्ती को निकाला गया है, चलिए आपको बताते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इनका एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, जिनमें यहाँ पर जो प्रपत्र को और यहाँ पर जिन जिन पदों पर यहाँ पर वैकेंसी को निकाला गया है उनके बारे में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो इनके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है, उनके बाद यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट पर भर्ती को निकाला गया है पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे कि पद नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो पद है प्रशासनिक पदाधिकारी के यहाँ पर निकाला गया, जिनमें यहाँ पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता लगने वाला है उनके बारे में दिया गया है, अनुभव कितना होना चाहिए, आयु सीमा कितना होना चाहिए, आपको सैलरी कितना दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जब पूरा डिटेल के साथ यहाँ पर जो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे कि इस तरीके से दिया गया, तो इनमें यहाँ पर देखिए आपको विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस IT तो ये सब डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए यहाँ पर जो आवेदन दे पाएंगे। तो पूरा यहाँ पर दिया गया, अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर देखिए दिया गया। जैसे कि आप यहाँ पर कौशल विकास यानी कि इसके लिए आवेदन करते हैं तो आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री, अगर आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। साथ साथ आप यहां पर कार का 3 साल का अनुभव होना चाहिए, और यहां पर मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट जो है 45 वर्ष एज लिमिट को रखा गया, और आपको सैलरी 40,000 प्रतिमाह आपको यहां पर दिए जाएंगे। अगर आपने यहां पर इंटर भी कर रखा है तो भी आप लोग यहां पर आवेदन दे सकते हैं। जैसे कि प्रोग्रामर के लिए आवेदन देते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से देख पा रहे कि कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक अथवा या फिर MCA होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन दे पाएंगे। तो अलग अलग यहां पर जो क्वालिफिकेशन को रखा गया, यहां पर एक और देखिए लेखा प्रबंधक का यहां पर एक पोस्ट दिया हुआ है, जिनमें यहां पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCOM CA इंटर की डिग्री यहां पर देख पा रहे कि मांगा जा रहा है, अगर आप यहां पर इंटर किए हुए हैं, अगर आपके पास ये डिग्री है। साथ साथ यहां पर देखिए टैली की जानकारी भी यहां पर अनिवार्य है, और कंप्यूटर में आप यहां पर देख पा रहे कि कंप्यूटर का भी नॉलेज यानी कि होना चाहिए, तब आप इसके लिए यहां पर जो है लेखा प्रबंधक के लिए आप लोग आवेदन दे सकते हैं। और आपका यहां पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, न्यूनतम यहां पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, और आपका यहां पर 45 वर्ष लगने वाला है, जिनमें आपको 30,000 प्रतिमाह आपको सैलरी यहां पर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर जो अलग अलग पोस्टों पर यहां पर पद पर सारा यहां पर दिया गया, आप इनका पर अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। उनके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर कुछ शर्तें रखी गई, तो यहां पर भारत का नागरिक होना चाहिए, अगर आप यहां पर बिहार यानी कि इंडिया के किसी भी राज्य से हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे पाएंगे, क्योंकि यहां पर साफ बताया भारत के किसी भी नागरिक हैं तो किसी भी स्टेट से तो आप लोग यहां पर आवेदन दे पाएंगे। एज लिमिट के बारे में बताया गया, आरक्षण भी दिया जाएगा आप लोगों को, और यहां पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद यहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो पूरा यहां पर डिटेल दिया गया, आप इनको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आवेदन करते समय मोबाइल नंबर ये सब ईमेल ID आपको सही से यानी कि देना है, उसी के द्वारा ही आप पर जो संपर्क किया जाएगा, कांटेक्ट किया जाएगा, और आपको आवेदन प्रपत्र भी यहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रपत्र आपको क्या करना है, आपको प्रिंट आउट निकाल लेना, तो यही वाला आपको फॉर्म लगने वाला है, आपको पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पर भरना है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो डाल देना है, नाम डालना है, जो भी नाम होगा आवेदिका का पद का, यहाँ पर पहले पद का नाम डालेंगे जिस पद के लिए पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके बाद जो भी आवेदक का नाम है वो डालेंगे, पिता या पति का नाम, जन्मतिथि, तो जो भी आपका एड्रेस है, स्थायी पता है, शैक्षिक योग्यता, सारा चीज इस तरीके से आप यहाँ पर डाल देंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल ID ये दोनों मस्ट चीज आप सही सही डालेंगे। इसी
द्वारा आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया जाएगा, यहाँ पर साइन करेंगे। इस तरीके से आपको फॉर्म भरने के बाद नीचे एक और फॉर्म मिलेगा, विहित प्रपत्र, ये भी आपको अच्छी तरीके से फॉर्म भर देना है। उनके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और फॉर्म मिलेगा, सपत्र प्रपत्र, ये भी आपको भरना ही है, अनिवार्य है। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद जो एड्रेस दिया हुआ है, जो हमने आपको दिखाया था, उन्हीं एड्रेस पर आपको ऑफलाइन में स्पीड पोस्ट के द्वारा या फिर डाक के द्वारा आपको इस पते पर आपको यहाँ पर भेजना है, इसी पते पर आपको यहाँ पर भेज देना है, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर जो आवेदन दे पाएंगे। सो इस तरीके से यहाँ पर जो वैकेंसी यानी कि भर्ती को निकाला गया है, क्योंकि ये जो भर्ती है ऑफलाइन के माध्यम से निकाला गया है। अगर आप इसके लिए यहाँ पर आवेदन देना चाहते हैं तो आप लोग आवेदन दे सकते हैं। सो इस तरीके से आप लोगों को जानकारी देना था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और इस फॉर्म का डाउनलोड करने का लिंक हमने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम में भी मैं वहां पर डाल दूंगा, जिससे कि आप आसानी से इन पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट करा के आप इनको डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।